हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जाने वाला हूँ एक एग्जीबिशन में, जो कि मेरे सीनियर आर्टिस्ट का है, जो कि मुझसे कॉलेज में 2 साल सीनियर थी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया उनके एग्जीबिशन को देखने के लिए। वहाँ शायद लास्ट डेट है उनका, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। इस वजह से उन्होंने काम किया हुआ है। उनका कॉन्सेप्ट है अनलॉक सेल्फ, मीन्स कि जो लॉकडाउन में जैसा भी हुआ, उन्होंने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया है थ्रू हर पेंटिंग। सो गाइस, आप लोग भी एग्जीबिशन कहीं पे भी हो, आप जाया करिए। एग्जीबिशन आप देख सकते हैं। एग्जीबिशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें, पर्सनली ग्रो करने में एज एन आर्टिस्ट। उसमें हमें देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में, वो कैसे सोचते हैं एंड क्या वो पेंटिंग बनाते हैं, तो उसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। सो अभी मैं चलता हूँ एग्जीबिशन में, तो हम मिलते हैं एग्जीबिशन हॉल में। मजदूर थककर हो गए हैं चूर, मजदूर थककर हो गए हैं चूर। नहीं है उठा पापा जागा पापा, उठा पापा जागा पापा। रास्ते के बीच से ही उपजा। लॉकडाउन का समय खुद को खोजने का भी समय, दोनों ही इसमें। और अमृता शेरगिल ने मुझे भी बोला, सारी दुनिया घूमने के बाद आदमी लौटता तो अपने अंदर, खुद अपने अंदर ही लौटता। इस समय सबसे अच्छा वर्ड लग रहा है अनलॉक। इससे अच्छा वर्ड इस समय कोई नहीं है। कोई पॉजिटिविटी के लिए है कि अनलॉक किया जाए। गाइस, एग्जीबिशन मैंने देख लिया, आप लोगों ने भी देखा होगा। मेरे सीनियर ने इनवाइट किया था मुझे देखने के लिए एग्जीबिशन, एंड आज लास्ट डेट था तो इसलिए आया। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो।